हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग हिस्ट्री ऑफ हीट पढ़ेंगे। हीट के बारे में जो थ्योरीज हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। हीट के बारे में पहले क्या समझा जाता था, हीट को क्या बोला जाता था? पहले बोलते थे कैलोरी। हीट को पहले लोग क्या बोलते थे, कैलोरिक। और इसके बारे में थ्योरी थी जिसको बोला जाता था कैलोरिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक कि हीट जो है, ये कैलोरिक जो है, वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक फ्लूइड है, मासलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस फ्लूइड है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये कैलोरिक थ्योरी थी जो बिल्कुल गलत थ्योरी थी। हीट जो है वो एक फ्लूइड नहीं है, वो एनर्जी की एक फॉर्म है और वो किसी बॉडी में नहीं होती। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तभी हमें देखने को मिलती है। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत थी। ये इसी तरह फिर इस थ्योरी को किसने गलत साबित किया, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ने इसको गलत साबित किया। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हीट जो है वो एज रिजल्ट है मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी का। हीट कहाँ से आती है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से आती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब, जब मॉलिक्यूल्स, जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, तो जब ये मॉलिक्यूल वेलोसिटी से मूव करता है, यानी फ्रीली मूव करता है, फ्री मॉलिक्यूल मोशन होता है जो लिक्विड और गैस में नज़र आता है देखने को, हाफ एम वी स्क्वेयर, तो उसका ये रिजल्ट होता है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में तो फ्री मॉलिक्यूल मोशन नहीं होता, तो सॉलिड में कैसे होता है? सॉलिड के अंदर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन। क्योंकि सॉलिड जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? वहाँ काइनेटिक एनर्जी उनके वाइब्रेशन की वजह से होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट है, इसी के रिजल्ट में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट हीट डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है? काइनेटिक एनर्जी जब फ्रीज होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है तो हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल इसका 51 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस बॉडी से जो है हमारे पास इन्वायरमेंट में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। तो ये जो थी ये काइनेटिक एनर्जी, ये इसने बिल्कुल हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया हीट का। हीट जो है वो रिजल्ट है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी से वह क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब भी दो बॉडीज़ के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हमारे पास हीट देखने को मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी, और इसी को यूज़ किया जाता है आज। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री ऑफ हीट। ये हीट की दो मशहूर थ्योरीज, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।